कि यहाँ संथाली गाना की शूटिंग हो रही है। हमारे ड्रोन वाले भैया जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। भैया जी थोड़ा मुस्कुराइए, ये देखिए ड्रोन लेके खड़े बैठे हुए हैं। देखिए तो आपको जूम करके भी दिखाया जाएगा कि देखिए हीरो हीरोइन सबसे स्टेप लेते हुए। सो फाइनली हम लोग चास जो हम लोग पार्क आए हुए हैं वो अमृत पार्क, जो अमृत पार्क भी उसे बोला जाता है। तो ये मुस्कान हॉस्पिटल के 100 मीटर के लगभग में होगा। तो वीडियो ये देखिए पीछे तरफ हुआ पार्क, ये अमृत पार्क लिखा हुआ है। और अंदर जाके देखेंगे क्या है क्या नहीं। यहाँ पर बैक साइड पर कैमरा दिखाते हैं आप लोग को। यहाँ पर जो कि है बस जो गाड़ी उड़ी खड़ा करते हैं स्टैंड टाइप का बना हुआ है, और टिकट काउंटर वहाँ पर है वो भी दिखाएंगे आप लोग को। इसलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा अमृत पार्क, जो ऊपर में लिखा हुआ जिंगारा रेस्टोरेंट जो कि इसके अंदर में है। तो ये पार्क बहुत ही सुंदर बनाया गया है। और उसकी टिकट काउंटर जो कि बाएं साइड में है, 10 रुपीज़ फ़ी है इनका। और यहाँ पर ये रहा टिकट काउंटर, ये मेन गेट है घुसते का। अंदर जाएंगे और ब्लॉग बना कर देखेंगे आप लोग, बताया जाएगा। ये रहा यहाँ पर गाड़ी उड़ी खड़ा किया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है अभी। सो फाइनली हम लोग आज पहुंच गए हैं अमृत पार्क, जो अंदर का ये नज़ारा है। चलिए बैक कैमरा से आपको दिखाते हैं कि अमृत पार्क कैसा है क्या है। चलो कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस ये रहा जो कि अंदर से दिखता है पूर्ण पधारे, ये पार्क का नज़ारा है कुछ इस तरह। दाहिने साइड में सब कपल्स और फैमिली की बैठने की भी जगह है इस पार्क में। वो फ्लावर टाइप का बना हुआ है सीधे में हम लोग का, तो उसमें फुहारा टाइप का निकलता है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये रहा मजदूर लोग काम कर रहे हैं। ये रहा फुहारा, 2-3 फुहारा बना हुआ इस पार्क में। यहाँ पर लाइटिंग की भी सुविधा है, लाइट में फुहारा जलता है। बहुत ही रात को इंटरेस्टिंग दिखने को मिलेगा आप लोगों को। शाम को जरूर से यहाँ पर विजिट करें। अभी धूप दे रहा है तो कोई तो है नहीं, ज़्यादातर कपल्स का ही देख रहा है जोड़ा। और यहाँ पर बैठ के आप लोग देख सकते हैं कैसा सीन है यहाँ पर। वो देख ले भैया लोग दुकान लगाए हुए हैं, फास्ट फूड का है, वहाँ पर कुछ भी खा सकते हैं आप लोग। पार्क के अंदर में ही है ये। ये देखिए यहाँ पर बैठने, ये रहा सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि शीशा का बना हुआ है पूल टाइप का, उसमें भी फुहारा निकलता है उसके साइड साइड में लाइटिंग के साथ। ये रात को बहुत ही इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा आप लोग को। इस पार्क का सबसे इंटरेस्टिंग चीज यही है। देखिए धूप में कोई तो दिख नहीं रहा है, बट है कि फूल पौधे भी मरने लगे लगता है। चले कोई नहीं, तो देखते हैं वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये रहा बैठने की जगह तो बहुत सारा है, तो धूप में तो कोई निकलता नहीं है। पेड़ पौधे भी धीरे धीरे मर रहे हैं, तो अभी बहुत धूप दे रहा है इसीलिए आदमी लोग यहाँ पहुँचे नहीं है। बट एक बार ज़ोर से इस पार्क पर विजिट करें, शाम को आइए। बहुत ही अच्छा पार्क है, यहाँ बच्चों के खेलने की भी उचित सुविधा है। ये रहा बच्चों के खेलने की सुविधा, और बड़े आदमी भी यहाँ पर घूम सकते हैं, यहाँ शूटिंग भी होता है। ये देखिए चारों तरफ पेड़ उड़ बनाए हुए हैं। वो देखिए ऊपर में शूटिंग हो रही है संथाली गाना का, तो आप लोगों को दिखाया जाएगा। ये देखिए भैया लोग शूटिंग कर रहे हैं, हमारे डायरेक्टर साहब जो कि ड्रोन लेके बैठे हुए हैं वो भी हंस रहे हैं। ये देखिए आप लोगों को जूम करके दिखलाया जाएगा, डायरेक्टर साहब हीरो हीरोइन सब कोई है। शूटिंग की चल रही है अभी, मना तो है लेकिन बट दिखा दिए आप लोग को। ये रहा चारों तरफ का नज़ारा, तो हम लोग पार्क की तरफ चलते हैं। ये रहा रेस्टोरेंट जो कि अंदर में बना हुआ है। ये रहा झिंगोरा में लास्ट कैफे या कुछ बना हुआ है, जाके सामने पता रहेगा। ये रहा कपल्स का जोड़ा है, बट जूम करके तो नहीं दिखाया जा सकता। ये यहाँ पर आप फैमिली के साथ या कपल्स जो भी हो तो यहाँ पर आप लोग बैठ सकते हैं धूप के दिन, या तो शाम को भी आप लोग बैठ सकते हैं। इसमें चारों तरफ बनाया गया है, चबूतरा की भी सुविधा है। इस पार्क को धीरे धीरे
और भी डेवलप किया जा रहा है, तो एक बार ज़रूर से आप लोग विजिट करें इस पार्क में। चारों तरफ ही रेस्टोरेंट है और ये पार्क धीरे धीरे ही नाम बहुत हो रहा है, इसीलिए सोचे कि वो ब्लॉग बनाया जाए। ये रहा जिस नगर निगम के, चास नगर निगम के ITM मॉल के बहुत ही सामने है, ये नगर निगम के अंतर्गत आता है। चारों तरफ देखिए फूल ही फूल दिख रहा है, ये वाइट वाइट करके हैं गमला, उसमें फूल लगा हुआ है, कोई कोई में पौधा लगा हुआ है, तो इंटरेस्टिंग देखने में लग रहा है। ये देखिए ग्रीन येलो ग्रीन टाइप का बना हुआ है अंडी को। स्पोर्ट एंटरप्राइजमेंट अमृत पार्क चास नगर निगम, इसमें फास्ट फूडिंग खाने को अपने को मिलेगा, तो एक बार ज़रूर से यहाँ पर आएँ फैमिली मेम्बर के साथ। देखिए बगल वाले भी यहाँ पर भी है फास्ट फूड, चाउमीन उमिन या क्या कुछ बनता है, तो शाम को एक बार आना पड़ेगा पता चल जाए। ये रहे बैठने की सुविधा, यहाँ पर बैठ के आप लोग खा सकते हैं। ये आगे में भी है, ये देखिए बाहर से टंकियों की क्या क्या लगाया गया है। ये रहे बच्चों के खेलने की उत्तम प्रबंध, चारों तरफ पार्क को तो बहुत अच्छा तरह से मैनेजमेंट किया गया है। ये रहे मजदूर लोग अभी भी काम कर रहे हैं, मगर धीरे धीरे पार्क को बनाया जा रहा है और भी डेवलप किया जा रहा है। आगे में देखते हैं वहाँ पर खाने की भी सुविधा है, बैठने की भी उत्तम प्रबंध है, वहाँ पर आप लोग ले जाएंगे। ये देखिए लास्ट कैफिनिया ने कुछ लिखा हुआ है, ये भी एक रेस्टोरेंट है, और ये देखिए यहाँ पर बैठ के आप लोग खा सकते हैं। ये ले भैया लोग बैठे हुए हैं, झिंगारा पार्क और झिंगारा रेस्टोरेंट इसी को बोला जाता है, ये नाम है बहुत रेस्टोरेंट का। ये देखिए इस रास्ते से आप लोग आ सकते हैं, यहाँ पर आप लोग कपल्स फैमिली मेम्बर या कोई सा भी आप लोग यहाँ पर ज़रूर से एक बार विजिट करें। यहाँ बैठ के खाने का भी उत्तम प्रबंध, आप लोग जूम करके दिखाते हैं कि कैसे फूलों को सजाया गया है। ये देखिए चारों तरफ बहुत ही सुंदर तरह के बारीकी तरह के यहाँ अलग अलग डिजाइनों से सजाया गया है इस पार्क को, जिन्हें लकड़ी का बनाया गया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये दिख रहा है। तो ये ब्लॉग पसंद आती है तो अपने तरफ से एक लाइक भी कर दें, वीडियो पसंद आती है तो, और ऐसे ही वीडियो आप लोग को लाया जाएगा। और नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ये देखिए बच्चों के खेलने की जगह, ये शाम को अरेंजमेंट होता है बच्चों की अच्छी तरह से खेलने की जगह है ये। ये रहे भैया लोग काम कर रहे हैं, अभी बैनर बना रहे हैं शायद लोहा का, वो तो बाहर में लगाया जाएगा रेस्टोरेंट का। ये धीरे धीरे बने ही रहा है, पार्क के बाहर में भी लगाया जाएगा। तो भैया लोग से ये देखिए लकड़ी का बनाया गया है, क्या भेड़ है शायद से अलग तो रहा है, तो भैया लोग से पूछेंगे कि कितना दिन से काम कर रहे हैं हम लोग। ये रहा बैलून का बनाया गया, इसमें भैया जी बैठे हुए हैं और एक भैया जी धूप में काम कर रहे हैं अभी। हाय भैया जी, ये भैया से पूछते कितना दिन से काम कर रहे हैं। भैया कितना दिन से आप काम कर रहे हैं कुछ बताइए। 2 महीनों से। अच्छा, इस लोहा का छूट गया है करेंट। ये भैया लोग 2 महीने से काम कर रहे हैं यहाँ पर,